हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू प्ले विद ऑप्शंस इन सी टेट सो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ आई हैव क्लियर माय सी टेट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद हंड्रेड प्लस मार्क्स मैं जो है अपना सी टेट ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ वाइल आई वाज इन माई सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर फॉर एजुकेशन एंड इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स आई जस्ट डिड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देर वॉज अ साइट लाइक ग्रेडअप वहाँ पे ग्रेडअप एक साइट है जिसपे जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स वहाँ से जो है मैंने जस्ट सिर्फ जो है एग्जाम के एक हफ्ता पहले आई जस्ट डिड दोज क्वेश्चन एंड रिपीटिडली दोज एटलीस्ट मैंने उन क्वेश्चन को फाइव टाइम्स लगाया होगा सो आई वॉज एबल टू क्लियर इट विदाउट एनी डिफिकल्टी तो so, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपने सीटेड को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं और जो मेन पॉइंट है इस वीडियो को क्रिएट करने का वो ये है कि आप ऑप्शन के साथ कैसे खेल सकते हैं जिसे जो है आप अपने सही आंसर तक पहुँच पाएं ये जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जैसा कि आपको पता है ये ट्रिक सिर्फ उन क्वेश्चंस पे इफेक्टिव होगी जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड है जैसा कि आपको पता है सी एग्जाम में पेपर वन एंड पेपर टू में फाइव सब्जेक्ट्स आते हैं एवरी uh, सेक्शन में जो है थर्टी क्वेश्चन होते हैं तो जो थर्टी क्वेश्चन एक सी का फर्स्ट सेक्शन होता है जिसमें टोटल थर्टी क्वेश्चन होते हैं और जो बाकी फोर सब्जेक्ट्स uh, बचते हैं उनमें फिफ्टीन ईच सेक्शन में जो है फिफ्टीन क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं तो हम 15 इंटू फोर सिक्सटी प्लस थर्टी तो टोटल आउट ऑफ 150, फिफ्टी देर आर नाइन्टी क्वेश्चन एक में से 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ ऑप्शन को ध्यान से अगर देखते हैं और उनके साथ खेलते हैं तो हम जो है इजिली अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं तो ये सिर्फ किस पे इफेक्टिव होगा सी के क्वेश्चंस पे इफेक्टिव होने वाला है सबसे पहले आपने अगर सुना है आपने टाइटल देखा है कि हाउ टू प्ले कैसे खेलना है तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके साथ खेलने लग जाना है खेलने का मतलब है आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें अब एलिमिनेट क्या होता है कि आप अपने एलिमिनेशन मेथड से करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचेंगे तो आपको जो है क्या करना है चारों ऑप्शंस में जो है जो आपको हर एक ऑप्शन को आप देखिए और अगर वो एलिमिनेट हो रहा है तो उसके आगे सबसे पहले आप ठीक आंसर ढूंढने की कोशिश मत करिए जो आपको गलत ऑप्शन लग रहा है उसको आप काटा लगा दीजिए क्रॉस साइन कर देना कि हाँ ये गलत है ये बिल्कुल नहीं आएगा ऑप्शन आंसर होने ही वाला नहीं है तो अब हम देखेंगे कि वो नेगेटिव ऑप्शन हमें ढूंढने कैसे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं छोटे छोटे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो कि रिपीटेडली हर एक प्रीवियस क्वेश्चन से जो है मैंने एनालिसिस किया है वो हर एक ऑप्शन में जो है आपको मिलते हैं एज पर एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि हमारी नेगेटिव ऑप्शन हमें सबसे पहले क्रॉस कर देने हैं नेगेटिव ऑप्शन से क्या तात्पर्य है जैसे कि किसी ऑप्शन में ओनली वर्ड आ जाए ओ एन एल वाई ओनली वर्ड आ जाए तो वो हमारा मोस्ट प्रोबेबली नाइन्टी फाइव परसेंट वो ऑप्शन जो है बिल्कुल रोंग होता है सेकेंड हम वर्ड ले सकते हैं जैसे कि डिस्करेज करना साहित करना ये ऑप्शन भी हमारा नेगेटिव है तो ऑप्शन को वो देखते ही जो है हमें नेगे, उसको क्रॉस कर देना है कि ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा उसके बाद थर्ड जिसे ले सकते हैं पनिशमेंट दंड देना ये भी एक नेगेटिव वर्ड है नेक्स्ट हम लेते हैं रोट मेमोराइजेशन जैसे कि रट्टा मारना तो ये भी नेगेटिव वर्ड है ऐसे ही कुछ नेगेटिव वर्ड्स जो हैं आपको रिपीटेडली हर एक प्रीवियस पेपर से जो है और अब तक जो है रिपीट होते जा रहे हैं तो आप इजीली उन ऑप्शंस को इनकरेक्ट करके अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं आपको अगर कोई कंसेप्ट आता भी नहीं है तो भी आप इस मेथड को अगर फॉलो करते हैं तो आप इजीली उस ईजिली uh, क्वेश्चन को जो है आउट ऑफ नाइनटी यू कैन सोल्व सिक्सटी क्वेश्चन एज पर माई एनालिसिस इस नेगेटिव एलिमिनेशन के मेथड से जो है आप इतने क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं है सेकंड uh, हम देखते हैं कि सेकंड पॉइंट ये है जब आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को जो है प्रॉपरली रीड करना है क्या करना है क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं आपने सुना होगा मेरे को तो याद आता बिल्कुल और गलत हो गया ऐसा क्यों होता है क्योंकि उसमें जो है क्वेश्चन में दिया होता है कि इनमें से जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इनमें से कौन सी डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है या फिर बोल सकते हैं इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है विकास का सिद्धांत इनमें से नहीं है तो बच्चा नहीं है पे ध्यान नहीं देता है है पे ध्यान देता है और उसको जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन प्रिंसिपल मिल जाता है वो उसको करेक्ट कर देता है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट uh, क्वेश्चन जो है सोल्व करने लग जाता है और उसी को आंसर लगा देता है तो आप ये बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में अगर नोट दे रखा है तो वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ठीक करना है क्योंकि उसमें जो है आपको तीन ऑप्शन ठीक मिलेंगे वो आपका आंसर नहीं होगा जो ऑप्शन आपका गलत होगा वो ही आंसर होगा ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और एज पर माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी टू टाइम्स जो है मैं क्लियर कर चुकी हूँ तो मुझे इतना जो है एनालाइज करने की एक्सपीरियंस हो चुका है कि कब क्वेश्चन गलत होता है कब क्वेश्चन क्वेश्चन को जो है हम ठीक कर सकते हैं सो दिस इज हाउ यू विल रीच योर एग्जैक्ट करेक्ट आंसर बाय प्लेइंग विद द ऑप्शन ऑफ योर सी डी पी क्वेश्चन एंड द पेडागोजी क्वेश्चन ऑफ द ऑल सब्जेक्ट दिस इज ऑल अबाउट टूडे and thank you and have a nice day don't forget to like the video and share the video and subscribe our channel goodbye